बुराड़ी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति सुधीर त्यागी ने सैनिटाइजेशन मशीन को बनाया, जिसके अंदर से अब लोग सैनिटाइज होकर जा रहे हैं। अपने गांव को बचाने के लिए यह लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। पहले गांव के सभी रास्तों को बंद कर लॉकडाउन किया गया, अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन मशीन बनाकर गांव के मुख्य रास्ते पर लगा दी गई, ताकि आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। गांव के प्रवेश द्वार को छोड़कर बाकी सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, केवल एक ही मुख्य रास्ता खुला हुआ है और उसी रास्ते पर यह टनल लगा दी गई है। अब जो भी शख्स गांव में आएगा वह इसके अंदर से गुजरने पर अपने आप ही सैनिटाइज हो जाएगा। इसे बिजली की एक छोटी सी मोटर से चलाया जा रहा है, साथ ही 250 लीटर पानी की टंकी भरकर रखी गई है, जिसके अंदर सैनिटाइजर डाला गया है। उस टंकी में पाइप निकालकर टनल में लगाया गया है। जैसे ही इस कैनोपी के अंदर से इंसान गुजरता है, टनल को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति इसे पैर से दबाता है और सैनिटाइजर का फवारा इंसान के चारों तरफ से लगता है, जिससे पूरा इंसान सैनिटाइज हो जाता है और कोरोना वायरस के खतरे की संभावना कम हो जाती है। आपने एक मशीन बनाई है सैनिटाइजर की, दिल्ली में अभी आजादपुर मंडी मशीन लगाई थी, उसके बाद आप लोगों ने भी मशीन बनाई, कैसे आप लोगों ने बनाई, कैसे इसके निर्माण किया? वहाँ से कई आदमी वहाँ पर गए, जैसे उन्होंने आके बताया कोई ऐसे ऐसे वहाँ मशीन लगी हुई है, तो हमारे मन में ख्याल आया क्यों ना हम भी बनाएं, तो हमने उसी का वो करके अपने यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ लगाई गई हैं। अब ऐसे नाम ध्यान नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लगाई हैं। और ये क्या फ़ायदा है इसका? इसका ये फ़ायदा है कि जो आदमी बाहर से आ रहा है वो यहाँ से सैनिटाइजर होके होता हुआ गाँव में प्रवेश करेगा। इस काम में गाँव के युवाओं को पुलिस और सभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। सैनिटाइजर मशीन के अंदर से निकलकर जाने वाले लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, गांव के यूथ बच्चों का संगठन है जो है, और उन्होंने गांव के और कॉलोनी के लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि भाई जो बाहर के लोग कॉलोनी में आ रहे हैं उनकी एंट्री को रोका जाए और किसी तरह से कम लोग जो है घरों से बाहर निकलें, ये इनका प्रयास था। उसी प्रयास में इनमें कई बच्चे जो टेक्निकली बहुत ही नॉलेज रखते हैं, उनको लगा कि एक सैनिटाइजेशन की मशीन भी होनी चाहिए, तो ये इन्होंने पहली मशीन जो सैनिटाइजेशन की जो है आज यहाँ पर इंस्टॉल की है, और इसके अंदर वो केमिकल डाल के ताकि जो किसी को कोई नुकसान भी ना हो और सैनिटाइज होकर ही अंदर जाए जो है, तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है। बुराड़ी गांव में प्रवेश करने वाला हर इंसान सैनिटाइज हो सके, इसके लिए पैदल यात्री जब गांव में घुसेगा तो वह सैनिटाइज हो जाएगा। जरूरत है अब हर कॉलोनी और हर गाँव के लोग इस तरह से मुस्तैद होकर कोरोना के खात्मे के लिए जुटें और सरकार द्वारा बनाई गई पूरी नियमावली का पालन करें, तो जल्द ही कोरोना का खात्मा भारत से हो सकेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा है। लॉकडाउन के आदेशों को ना मानते हुए एशिया के सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में लोग भीड़ भाड़ के बीच आ जा रहे हैं और कई लोग बिना मास्क लगाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। भीड़ भाड़ की यह तस्वीर एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर की है। सब्जी और फल मंडी में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे इन तस्वीरों को देखकर खोखले साबित होते हैं। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी से आजादपुर मंडी के लोग शायद गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। यही वजह है कि आजादपुर मंडी में सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। लोग एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं और कई लोग तो बिना मास्क लगाए हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। जरूरत है कि ऐसी जगहों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और लॉकडाउन का पालन कराए, क्योंकि अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद पूरे देश में चिंताएं तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक सख्ती से लॉकडाउन पालन करने का आदेश दिया है। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। विश्व भर में कोरोना के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और विश्व में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है। चीन के वुहान शहर से निकले कोविड-19 ने कहर बरपा रखा है। तमाम देश इसकी चपेट में हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जैसी शक्ति भी कोरोना से करा उठी है। लाखों लोग अब तक मौत के मुँह में जा चुके हैं। वहीं भारत में भी कोरोना के कहर से
अब तक हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं, कई लोग कोरोना से मर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 14 दिन के लॉकडाउन के बाद अब इसे 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया है और देश के हर एक नागरिक से सहयोग की अपील की जा रही है और उन्होंने पीएम केयर्स फंड में सहयोग की अपील देशवासियों से की है। इसी के चलते पूंजीपति व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस टाटा जैसी कंपनियां और बॉलीवुड के कई सितारे और सामाजिक संस्था के लोग आगे आए और पीएम केयर्स फंड में देश के प्रति आर्थिक योगदान दे रहे हैं। इन्हीं को देखकर और प्रधानमंत्री के आग्रह को सुनकर दिल्ली के मांगेराम पार्क के एक 9 साल के बच्चे लोकेश शर्मा ने भी कोरोना संकट की घड़ी में अपनी गुल्लक ही राहत कोष में दे दी। इस गुल्लक में से तकरीबन 5,000 रुपये थे और 5,100 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा करवाए गए। ये जो कोरोना वायरस मेरे देश में आया है और कई बार मैंने टीवी में भी सुना है कि कई लोग इसे मर रहे हैं और मैं अपनी गुल्लक श्री नरेंद्र मोदी जी को गुल्लक देना चाहता हूँ। किस लिए देना चाहते बेटा ये? मैं अपनी गुल्लक इसलिए देना चाहता हूँ कि ये इन पैसों से इस बीमारी की वो दवा बना सके। पिता सुरेंद्र शर्मा और लोकेश की दादी व मां ने बताया कि लोकेश 2 साल से यह पैसे गुल्लक में इकट्ठे करता था और किसी को उस गुल्लक को छूने तक नहीं देता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी और देश के हालात देखे तो उसने यह पैसे पीएम केयर्स फंड में जमा करने की इच्छा जताई और जिसके बाद गुल्लक तोड़ी गई तो 5,000 रुपये तकरीबन उसमें थे, जिसके बाद पेटीएम द्वारा यह पैसे 5,100 रुपये जमा करवा दिए गए। जैसे यो मरीजा की सेवा करना चाहे है कोरोना से वायरस से ये तो ये और भी बच्चे करें इसकी देखें दे। प्रधानमंत्री वो देना चाहते मेरे बेटा और इसकी कई जब से ये वायरस चला है तब से न्यूज देखता था, ये रोज घर पे बैठ के इसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। मेरे बेटे की इच्छा यही थी कि मैं अपनी ये गुल्लक तोड़ के मम्मी मैं प्रधानमंत्री जी को दे सकता हूँ। मैंने कहा बेटा दे दो तुम्हें। देश में कोरोना का संकट बेशक है, लेकिन देशवासियों में उससे लड़ने का जज्बा भी है और लोगों के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज और विश्वास है कि बच्चे भी उनकी बातें मान रहे हैं और समझकर इस विश्व आपदा के दौर में देश के लोगों की सहायता की इच्छा रखते हैं, वे वाकई में काबिले तारीफ है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।